हाय एवरीबॉडी, पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में हम बताए थे। आज का जो है न्यू टॉपिक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित कुछ रिमेंबर पॉइंट है, इसको आज आप लोग क्लियर कीजिए। तो आज का टॉपिक का नाम दीजिए रिमेंबर पॉइंट। तो लिखिए रिमेंबर पॉइंट। ओके, रिमेंबर पॉइंट्स। नंबर वन, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। एकदम याद रखने वाला बात, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। गौर करने का बात है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग कार्य होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इस पॉइंट को याद रखिए, जब कभी भी श्रेणी क्रम में संयोजित होगा तो यहाँ पर एक अलग काम होगा इस रेसिस्टेंस पर, और इस रेसिस्टेंस पर अलग काम होता है, इस रेसिस्टेंस पर आपका अलग काम होता है। तो अलग अलग प्रतिरोधों पर जब अलग अलग कार्य होगा तो सभी का विभव अलग अलग होगा, अर्थात V1 इसका हो जाएगा, V2 इसका हो जाएगा और V3 इसका हो जाएगा। तो V1 विभवांतर हो जाएगा R1 प्रतिरोध का, और V2 विभवांतर हो जाएगा R2 प्रतिरोध का, और V3 विभवांतर हो जाएगा R3 प्रतिरोध का। तो इस तरह से अलग अलग प्रतिरोधों के लिए जो है आपका विभवांतर का मान अलग अलग हो जाता है। चलिए अब हम लोग रिमेंबर पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। रिमेंबर पॉइंट नंबर 3, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध R=R1+R2 हो जाएगा। अर्थात फिगर के माध्यम से देखते हैं, अगर एक प्रतिरोध आपका R1 है और इसका दूसरा प्रतिरोध अगर R2 है, तो सिंपल समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको R1 और R2 को ऐड कर देना है। ध्यान रखेंगे ये आपका श्रेणी क्रम है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल है, जैसे ये R1 हो गया,
एक इधर से हो गया आर टू। याद रखेंगे ये इस प्रतिरोध का सिरा चेंज नहीं हो रहा है, ये आर वन है और ये आर टू है, ये दोनों कौन सा क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ये जुड़ रहा है, तो ये भी आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। वायर घूम जाए, टर्न ले जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन में है। और इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो चलिए ये था, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इसका समतुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए हम लोग रिमेंबर पॉइंट नंबर अब 4 पे बात करेंगे। यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn होता है। कहने का मतलब n प्रतिरोध अगर आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है, ऐसा नहीं कि एक दो हो गया, तीन प्रतिरोध हो गया, नहीं, इसके साथ बहुत सारा प्रतिरोध, जैसे एक प्रतिरोध यहाँ हो गया R1, फिर इसी से जुड़ा हुआ इधर आ गया, ये हो गया R2, ये वायर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन है ये श्रेणी क्रम में ही। आपको देख करके कभी कभी लगेगा कि ये हो गया समांतर क्रम, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया और ये R5 हो गया, और ये हमारा A सिरा है और ये सिरा B है, तो ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया आर ए बी, अगर बोलेंगे अगर पांच प्रतिरोध जुड़ रहे हैं तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव हो जाएगा। कहने का मतलब दो या दो से अधिक अगर एन प्रतिरोध तक अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो आपका इस तरह से हो जाएगा। आपका अगर वायर सीधा है, क्योंकि अगर ये ए को यहाँ पकड़े बी को यहाँ पकड़े तो फिर सीधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा बिंदु नहीं है कि जहाँ पर करंट दो भागों में बट रहा है, ये दो पार्ट में नहीं, यहाँ से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो यही आई करंट सब में फ्लो हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि एक समान धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होती है। तो चलिए ये था आपका n, एक प्रतिरोध जो है जब श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो याद रखिएगा जितना जुटे रहेगा, अगर 100 दे दे तो 100 तक चले जाएंगे, जितना रहेगा उस अनुसार से लेके चलेंगे। श्रेणी क्रम का अंतिम हम लोग को सीखना है रिमेंबर पॉइंट नंबर 5। तो अंतिम रिमेंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे जब n एक समान, यहां ध्यान दीजिए पहले वाले में एक समान शब्द नहीं जोड़ा गया था कि सारे प्रतिरोध एक समान नहीं थे, लेकिन यहां हम एक समान ले रहे हैं, वहां अलग अलग भी हो सकता है, किसी का मान 2 ओम हो जाए, किसी का 5 ओम हो जाए, उसमें हो सकता है, लेकिन इसमें जब n एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध ऐसे सीरीज में आर एस बोलते हैं इसको,
क्योंकि हम एक समान ले रहे और एन तक लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी आर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर अलग करने के लिए इसको आर एस लिख देते हैं। और एस का क्या मतलब हुआ, जब भी कभी ऐसा सवाल हो जाए तो वहाँ जिक्र करना होगा आर एस मतलब सीरीज कनेक्शन, तो आर एस का मतलब श्रेणी क्रम, एस का मतलब सीरीज कनेक्शन, आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश 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 एन टाइम, यानी ये एन बार ऐसा ऐसा आ रहा है आर। तो अभी आप सोच के देखिए, हम इसको ऐसे आपको डिटेल करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये प्रतिरोध का मान आर है, ये भी आर है और ये वाला भी आपका आर है, तो समतुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर क्या करेंगे, आप सीधा जोड़ दीजिएगा आर प्लस आर प्लस आर। तो यहाँ पर हम तीन गो प्रतिरोध जोड़े, थ्री रेसिस्टेंस यहाँ पर एड है, तो आपका कितना हो गया आर प्लस आर प्लस आर, तो ये आपका थ्री आर हो गया। लेकिन जब आपका एन प्रतिरोध जुड़ा रहे और वो भी सही क्रम में, तो अभी आप बताइए क्या लिखिएगा, जब तीन जुड़ा रहता है तो थ्री आर हो गया, फाइव जुड़ा रहेगा तो फाइव आर हो जाएगा, ध्यान रखना है एक समान प्रतिरोध लेना है तो फाइव आर हो जाता, यहाँ पर एन प्रतिरोध है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा एन आर। और ऐसे में देखिए, कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसा सवाल कर देता है कि 100 प्रतिरोध 100 एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो लगेगा कि 100 तक जोड़ना पड़ेगा दो दो ठोकर करके लिख करके, नहीं, ऐसा सवाल हम इसी फॉर्मूले से बना लेंगे, और फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं आ रहा, उसी सिस्टम के आधार पर से ये फॉर्मूला बन रहा है। जैसे अभी हम आपको ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, आप इस जगह पे समझ लें, यदि 100 एक समान प्रतिरोध, यदि 100 एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तथा प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगी। तो ध्यान रखिए, हमको समतुल्य प्रतिरोध आर एस का मान ज्ञात करना, एन का मान 100 दिया हुआ है और एक प्रतिरोध का मान 2 ओम यहाँ पर आपका दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा आप आर एस के लिए, एन इंटू आर, एन का मान हो गया आपका 100 और आर का मान हो गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अब ऐसा नहीं कि 100 गो प्रतिरोध के लिए हमको फिगर बनाना पड़े और उस तरह से लेकर के चलना पड़े, तो हम लोग इस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, ये था आपका रिमेंबर पॉइंट श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, आपको हम समांतर क्रम संयोजन का भी आपका रिमेंबर पॉइंट इसके बाद लिखा देते हैं। रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 लिखिए, समांतर क्रम संयोजन में, या तो आप इसको 6 नंबर कर दीजिए, 10 तक चला जाएगा, एक ही साथ ले रहे हैं इसलिए 6 नंबर कर दीजिए, समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है, एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो स्वाभाविक बात है, समांतर क्रम संयोजन अगर लेते हैं
तो यहां पर आकर के धारा आपका दो पार्ट में बट जाता है, इसीलिए आपका एक समान, ये भी आपका दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, तो समांतर क्रम संयोजन में अगर आई एम्पियर की धारा जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आई वन और इधर हो जाएगा आई टू, इसीलिए समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित नहीं होती है, सबसे अलग अलग प्रवाहित होगा। चलिए रिमेंबर पॉइंट नंबर 7, समांतर क्रम संयोजन में संयोजन बोले या समूहन बोले एक ही है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर एक समान कार्य होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर एक समान होता है। पहले भी आपको हम जिक्र कर दिए हैं कि जैसे ये एक आपका प्रतिरोध हो गया और एक वाला ये वाला भी प्रतिरोध, एक तो ये भी प्रतिरोध हो गया, लेकिन सभी जो एक बिंदु पर मिलता है तो यहाँ का जो विभवांतर अगर ए बिंदु है तो भी ए, और यहाँ पर जो है सब मिला एक बिंदु पर इसका विभवांतर भी बी, ये हो गया ए बिंदु भी ए और इसका हो गया भी बी, तो सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर जो हो गया इसी दोनों के बीच में है, इसलिए सबका विभवांतर आपका क्या हो जाएगा दोनों के बीच में ही है, इसलिए सभी का विभवांतर एक समान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसा सब तब सब सवाल आएगा, ये छोटा छोटा लग रहा है देखने में भी, लेकिन अगर आप इसको याद नहीं करेंगे और अच्छे ढंग से इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको जब हम इसके आगे जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मन शांत कर करके अच्छे ढंग से इसको स्टडी करें, घर में बैठ करके एकदम अच्छे से शांति जगह पर जा करके, एक बार नहीं हो सकता है तो दो बार तीन बार वीडियो को रिवाइज कर करके इसको आप देखें। तो चलिए ये आपका रिमेंबर पॉइंट था 7, और अब जो है रिमेंबर पॉइंट नंबर 8 पर बात करेंगे। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध आरपी हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 बाय नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर, ये आपको नया फॉर्मूला सीखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, हम तो यहां पर ऐसे देख रहे हैं दो प्रतिरोध को लेके चले आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, बहुत शांति से सीखिएगा इस पॉइंट पर, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, कौन सा क्रम में है तो समांतर क्रम में है, और जब ये समांतर क्रम में है तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका फॉर्मूला है दो प्रतिरोधों के लिए, लेकिन 1/RP बराबर LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा R1 इंटू R2, R1 से भाग कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ R2 हो जाएगा, अब प्लस R2 से भाग दीजिएगा कौन बचेगा R1 बचेगा, तो R2 प्लस R1, जब आप इसको ऊपर पलट दीजिए R2 ऊपर लिख दीजिए तो 1 नीचे आ जाए, तो यहाँ कौन ऊपर चला गया R1 R2 ऊपर चला गया, सजा के लिखिए क्योंकि दोनों तो प्लस में ही है,
इसलिए पहला वाला R1 लिख देंगे, दूसरा वाला R2 लिख देंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा सेम फॉर्मूला बन जाता है। इसको आपको यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए हैं, लेकिन ये कैसे होता है ये फॉर्मूला, इसको आप यहाँ डिटेल में सीखें। अब देखिए कि आपके सामने जब दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो फिर कैसे आप सवाल बनाइएगा और डायरेक्ट बन जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्रतिरोध जो है आपका यहाँ हो गया, एक प्रतिरोध ये वाला हो गया, दो प्रतिरोध है और ये आपका जैसे मान लेते हैं कि 4 ओम हो गया, ये वाला भी आपका 4 ओम हो गया, R1 भी 4 ओम और R2 भी 4 ओम, और आपको निकालना है RP, तो कुछ नहीं करना है, 4 × 4 कर दीजिएगा बटे 4 + 4 कर दीजिएगा, 16/8, 8 × 16, 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ये आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये दो प्रतिरोध को हम जोड़ें तो कैसे बनाएं, दोनों को पहले गुणा कर दिए और दोनों को फिर जोड़ करके भाग कर दिए, तो ऐसे याद रह जाएगा। जैसे आपका हम भाग जाएगा तो इसको अगर नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, इसी में अगर मान ले जब इसी को जब हम डिटेल में बनाएंगे, आपको हम डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का बना के दिखाते हैं, 1/RP लिख करके लिखेंगे, 1/4 + 1/4 करेंगे, क्योंकि 1/RP के लिए इसी को डिटेल में सिखा रहे हैं, इसी फॉर्मूले को। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, दोनों तो बराबर ही हैं, 4 LCM आ जाएगा, 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2/4, और ये आपका 2 × 4 कटा, फिर R2 घूम करके 2 ओम हो जाएगा, ये इसी का सेकेंड मेथड आपका हो गया। लेकिन ये आपका बहुत बड़ा हर बार करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज को अगर आप देखेंगे कि अगर हम वैल्यू को चेंज कर दें, एक वैल्यू हो गया आपका यहाँ पे 2 ओम और ये वाला हो गया 3 ओम, तो अब उस तरीके से बनाते हैं 1/RP के तरीके से, तो 1/2 + 1/3, LCM 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, तो ये 5/6 हो गया, 1/RP का वैल्यू 5/6, और RP बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 ओम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आपको इसी का सेकेंड मेथड अब देखिए, दूसरा सवाल जो लिए है, ये सेकेंड एग्जाम्पल लिए है, इसका जो आपको जो बनाइएगा, जब आपको जो ये टॉपिक जो इस फॉर्मूले पे सिखाए, इसमें आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट RP लिखेंगे और दोनों प्रतिरोध को गुना कर देंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और बटन में क्या करना है, 3 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है, तो 3 × 2 = 5, बताइए कितना इजी हो गया। ये आप मौखिक बना सकते हैं और इसी का प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि हम लोगों के पास जो अब जो सवाल आने वाला है, जो आपको न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे, बहुत जटिल सब न्यूमेरिकल आपको सिखाने वाले हैं, तो इस तरह का आपका माइंड डेवलप होना चाहिए। जब ऐसे अगर आप दो प्रतिरोधों को जब आप तुरंत बना करके सॉल्व कर लीजिएगा, तब ये आपके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। तो चलिए अभी तो हम आपको रिमेंबर पॉइंट बता रहे हैं, अभी तो न्यूमेरिकल आपको सिखा नहीं रहे, न्यूमेरिकल का टॉपिक अगले क्लास में आएगा, तो अभी हम लोग पहले इसको रिमेंबर पॉइंट पहले 1 नंबर नोट कर लीजिए और इसके बाद रिमेंबर पॉइंट नंबर 9 पर बात करेंगे। जब n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित हो, तो समतुल्य प्रतिरोध 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ……1/Rn। एक बात का, 2 ठो के लिए तो आपको सिखा दिए, लेकिन क्या 2 से ज़्यादा रहेगा तो क्या आपका उसी फॉर्मूले से बनेगा, नहीं बनेगा। उसके लिए आपको जो लॉन्ग प्रोसेस मेथड है उसी का पालन करना पड़ेगा। जैसे ही आपको
एक प्रतिरोध आपका 2 ओम हो गया, एक प्रतिरोध आपका 3 ओम हो गया, एक प्रतिरोध आपका 4 ओम हो गया, एक प्रतिरोध अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 ओम हो गया, तो आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। आपको जो है इस प्रोसेस से, इस सिस्टम से नहीं बना सकते, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा 1/RP बराबर, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसमें सबका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं, जब 2 से अधिक होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और बाद में इतना ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू होता है 1/RP का होता है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, 1/RP का होता है। फाइनल करने लगेंगे तो आरपी जब निकालेंगे तो इसके अंक को पलट देंगे। ये अगर गलती कीजिएगा तो आपका फिर जो है ना आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आरपी का वैल्यू निकालने के लिए आपका डिजिट बदल जाएगा, नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपको 2 ठो वाला में सिखाए आरपी, वो डायरेक्ट निकल जाता है 2 ठो वाले के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 से ज़्यादा है और 2 से ज़्यादा के लिए वो फार्मूला हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका, जब एक प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए ये फार्मूला हो गया। चलिए रिमेंबर पॉइंट नंबर लास्ट पर चलते हैं हम लोग, 10 पर। जब एन एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो, समांतर क्रम में संयोजित हो तो समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 10 10 10, ये कितने बार आएगा, तो n बार आ जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा n टाइम्स, यानी n बार जो है ये आपका आ जाएगा, n बार आ जाएगा। तो बताइए, जैसे मान लेते हैं, अब देखिए इसी को समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 गो प्रतिरोध वाला का। एक प्रतिरोध यहाँ ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, सबका प्रतिरोध एक समान है। तो बताइए, यहाँ तो हम लोग सिंपल समझ रहे 3 को, तो बताइए 1/RP के लिए क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये कितना हो गया 1/RP, तो 3/R, काहे कि सब क्या है 1 2 3, 1/R ये एक समान अंक है, इसलिए हम सबको 3/R लिख सकते हैं। अब बताइए RP बराबर क्या लिखिएगा, R/3 लिखिएगा, RP क्या हो जाएगा, R/3। अब समझिए एन वाले में, तो एन वाला में क्या 1/RP कितना हो जाएगा, N/R हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे 3/R आया था ना, तो यहाँ जितना प्रतिरोध जोड़े थे तो 3/3, असल एक समान प्रतिरोध कितना था, R था, तो यहाँ R आ गया। इस चीज को गौर कीजिए, यहाँ पे R आ जाएगा, लेकिन जब RP जब कर निकालेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ बताइए RP यहाँ निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, RP बराबर R/N हो जाएगा। RP बराबर क्या हो जाएगा आपका, R/N। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे सब गड़बड़ा जाते हैं क्या, कि जब दे देता है 20 ठो प्रतिरोध, जब से एक क्वेश्चन आपको हम इसी का एग्जांपल दे देते हैं, लिखिए एग्जाम्पल इसका लास्ट वाले का हम दे देते हैं, 20 एक समान प्रतिरोध प्रत्येक 5 ओम का है, समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगी, ध्यान रखना है यहां पर 20 एक समान प्रतिरोध है, 20 ठो प्रतिरोध है। तो सिंपल बात है आपका,
एन बराबर यहाँ पर 20 हो गया, नंबर है 20 प्रति हो गया, प्रत्येक कितना ओम है, आर बराबर कितना 5 ओम है। तो कहता है एक समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आर भी निकाल, तो आर पी के लिए आपको क्या फॉर्मूला सिखाए हैं, आर बटे एन, अभी जो सिखाए आर बटे एन। तो देखिए आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आर बटे एन कर दीजिए, आर का मान कितना 5 और एन का मान हो गया 20, तो 5 × 20 कट गया, 1/4 ओम हो गया, इसका मतलब 0.25 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और रिमेंबर पॉइंट, ये यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अगले क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, इसी सब से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल का क्लास होगा, जिसको और बेहतर ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं घर में शांतिपूर्वक आप पढ़ाई करेंगे और रिलैक्स, जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो वहाँ बैठ करके पढ़ें और आराम से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।